Today, I am going to explain Unit 5, Poem, The Balloon Man. So, what is the meaning of Balloon Man? Balloon Man का मतलब होता है जो गुब्बारे वाला है. And children like the most balloon. आप कहीं भी fair में visit करने जाते हो, मेला लगा हुआ होता है. तो वहाँ पर मेले के बाहर ही और मेले के अंदर भी आपको बहुत सारे गुब्बारे वाले ऐसे गुब्बारा बेचते हुए खड़े हुए नजर आएंगे. रोड पे भी हम कई बार गुब्बारे वाले को देखते हैं. और गुब्बारे वाले के पास आपको पता है एक कलर के गुब्बारे होते हैं? नहीं, उसके पास अलग अलग तरह के गुब्बारे होते हैं. नीला कलर होता है, पीला कलर होता है, व्हाइट होता है, पिंक होता है. मीन्स अलग अलग कलर के गुब्बारे जो है वो उसके पास होते हैं. और वो जो गुब्बारा होता है वो किससे टाई किया हुआ होता है? तो जो गुब्बारा होता है वो रस्सी से वो बांध के रखते हैं. क्यों? क्योंकि गुब्बारे के अंदर क्या होता है बोलो? आपको पता ही होगा आंसर कि गुब्बारे में क्या हम ऐसा अंदर फील करते हैं तो वो बड़ा बनता है. तो गुब्बारे के अंदर हम एयर फील करते हैं जिसकी वजह से वो बड़ा बन जाता है और एयर बाहर न निकल जाए उसके लिए हम क्या करते हैं? उसे थ्रेड यानी कि डोरी से बांध देते हैं, टाई कर देते हैं. तो गुब्बारा वाला गुब्बारा लेके ऐसे खड़ा रहता है मार्केट डेज यानी कि जहाँ पे मार्केट लगा हुआ होता है, जहाँ पे फेयर होता है, ऐसी अलग अलग जगह पे वो खड़े रहते हैं. तो बच्चों को वो देखना बहुत ही पसंद आता है. बच्चे यहाँ पर ऐसे मिस करते थे. वो लोग क्या मिस करते थे कि गुब्बारे वाला जो है वो अपने गुब्बारे सारे गुब्बारे को आजाद कर दे तो वो देखने का नजारा ही कुछ और होगा. आसमान में जब सारे गुब्बारे एक साथ फ्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? जो लोग यहाँ पर पढ़ते थे उनको पता है कि एक दिन काइट फ्लाई था, तब हमने ऐसा किया था, गुब्बारों को स्काई में उड़ाया था. तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल और वो जो नजारा होता है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है. So today we will write the new words of this poem. For that you have to open your English notebook. Write this essay. Write this essay. You need file the balloon man in margin line. In four lines you have to write reading a new words. Okay. आप सबको मेरे साथ भी लिखना है. You have to write down with me. Write one. फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे BALLOON बलून. नंबर टू MARKET मार्केट. टू नंबर में आपको लिखना है मार्केट. नंबर थ्री SQUARE स्क्वायर. थ्री नंबर में आपको लिखना है स्क्वायर. फोर नंबर NEVER नेवर. फोर नंबर में आपको लिखना है नेवर. नंबर फाइव LUNCH लंच. लंच हम किसे कहते हैं? तो जो दोपहर में हम खाना खाते हैं उसे हम लंच कहते हैं. रात को जो भोजन करते हैं हम उसे हम डिनर कहते हैं. और मॉर्निंग में आप टी के साथ जो नाश्ता करते हो दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट. ओके, सो ये तीन चीज आपको खास याद रखनी है. आगे को नंबर सिक्स RED रेड इज द नेम ऑफ कलर. नंबर सेवन वन मोर कलर नेम PURPLE पर्पल. नंबर एट GREEN ग्रीन. नंबर नाइन BLUE ब्लू. दीज आर द नेम ऑफ द कलर्स. नेक्स्ट लिखो SUNNY सनी. नेक्स्ट नंबर इलेवन BET
W-E-N between P-E-T, W-E-N between 12 number, S-H-I, N-I, N-G, shiny. In number 13, you write S-T-R-I-N-G, string. Number 14, you write W-I-N-D, wind. 15 नंबर में आपको लिखना है perhaps, P-E-R-H-A-P-S, perhaps. In number 16, you have to write S-A-I-L-I-N-G, sailing. Number 17, B-E-L-O-W, below. Number 18, you have to write P-R-E-D-D-Y, pretty. So, these are the words of this poem. Now, once again, we will read all the words. You have to also read with me. Aapko bhi mere saath read karna hai. Okay. First number, B-A-L-L-O-N, balloon. Number 2, M-A-R-K-E-T, market. Number 3, S-Q-U-A-R-E, square. Number 4, N-E-V-E-R, never. Number 5, L-U-N-C-H, lunch. Number 6, R-E-D, red. Number 7, P-U-R-P-L-E, purple. Number 8, G-R-W-N, green. Number 9, B-L-U-E, blue. Number 10, S-U-N-N-Y, sunny. Number 11, B-E-T-W-E-N, between. Number 12, S-H-I-N-I-N-G, shiny. Number 13, S-T-R-I-N-G, string. 14 number, W-I-N-D, wind. Number 15, P-E-R-H-A-P-S, perhaps. 16 number, S-A-I-L-I-N-G, sailing. 17 number, B-E-L-O-W, below. Number 18, you write P-R-E-D-D-Y, pretty. Okay? So, write down all the words in your notebook, English, with a good handwriting. Read it also and learn it also. Okay? Thank you, students.